बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजलों करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस अपर से मैं छोटे बेबी के शूज बनाकर दिखाऊंगी। ये पुराना अपर पड़ा हुआ था मेरे पास, इससे मैं शूज तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने नीचे वाला ये बॉम का हिस्सा भी तैयार कर लिया और ये वाला ऊपर वाला भी हिस्सा तैयार कर लिया। इसकी लंबाई मैंने ली है 5.5 इंच, इसकी लंबाई मैंने ली है 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। अब इसे इस तरह से रख के गुलाई में कटाई कर लूंगी। इस अपर के ऊपर वाले पीस जो है अलहदा कर लूंगी। पाँव के नीचे वाला हिस्सा इस कपड़े से मैं तैयार करूंगी। अब मैं कटाई करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह का एक पीस और तैयार कर लूंगी। ये सारे पीस मैंने तैयार कर दिए हैं। ये पीस मैंने तैयार किए हैं, इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से। इनकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, लंबाई 7 इंच। अब मैं पहले ये वाली सिलाई लगाऊंगी इस तरह से और इस साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी और उसके बाद इसे बंद करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब मैं इस तरह से रख के ये नीचे जो नीचे वाला हिस्सा है पाऊं का उसके ऊपर रख के इस तरह से इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लूंगी। दूसरे शूज पे भी मैं इस ऐसे ही सिलाई लगा लूंगी। ये जो मैंने सिलाई लगाई थी उसे इस तरह से सीधा कर लूंगी, ऐसे ऐसे डबल करूंगी। इसके ऊपर अटैच करूंगी यहां पे। ये सिलाई जो है इस सिलाई के साथ मिला लूंगी और इसके सारे गुलाई में यहां पे इसे अटैच कर दूंगी।
इसके दरमियान में मैं बारीक लहसुन डाल लूंगी, कुछ थोड़ा सा इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ऊपर से हल्का सा खुला था, मैंने इसमें लहसुन डाल दिया इस तरह से। इस तरह से छोटे बच्चों के हम घर में शूज तैयार कर सकते हैं, पुराने पड़े हुए कपड़ों से। इस तरह से मैंने ये शूज तैयार किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।